भारत के जालंधर शहर का रिश्ता गायकी से बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। आजादी से पहले भी इस शहर के काफी गायक अपनी गायकी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। बता दें, ऐसे ही एक कलाकार थे मास्टर मदन, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। मास्टर मदन प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक थे, तो चलिए आज इनके बारे में ही जानते हैं। नमस्कार, मैं कपिला और मैं आज आपके लिए इतिहास के पन्नों से लेकर आई हूँ एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने महज दो गजलों के दम पर ख्याति प्राप्त की, गजल गायकी के लिए हुए मशहूर। मास्टर मदन जालंधर शहर के खानखाना गांव में 28 दिसंबर 1927 को पैदा हुए थे। बता दें, इस गांव के नाम की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कहते हैं कि इस गांव की खोज अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा की गई थी। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा। मास्टर मदन भारत की आजादी से पहले के एक प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक थे। मास्टर मदन एक ऐसे कलाकार थे जो 1930 के दशक में एक किशोर के रूप में ख्याति प्राप्त करके मात्र 14 वर्ष की उम्र में 1940 के दशक में इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन वे अपने पीछे अपने द्वारा गाई हुई कुछ गजलें छोड़ गए, जिन्हें आज भी बहुत लोग सुना करते हैं। महज 3.5 साल की उम्र में शुरू किया था गाना। यूं तो जानकर हैरानी होगी कि मास्टर मदन ने 3.5 साल की उम्र में अपना पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दिया था। 1930 के आसपास इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के जिस शहर में ये कार्यक्रम हुआ, वे मास्टर मदन के गांव से ज्यादा दूरी नहीं था। लिहाजा इतनी कम उम्र में उन्हें वहां जाने और कार्यक्रम करने की इजाजत मिल गई। कहते हैं उस कार्यक्रम के बाद लोग उनकी आवाज और अदायगी के दीवाने हो गए। इतनी कम उम्र के बच्चों को इस तरह गाते हुए कभी किसी ने सुना ही नहीं था। लिहाजा मास्टर मदन पर इनामों की बरसात हुई। इनाम भी ऐसा वैसा नहीं, उन्हें इनाम में शॉल, सोने की अंगूठी वगैरह मिली। गाने के लिए मिलती थी उन्हें ऊंची रकम। बता दें कि मास्टर मदन को आकाशवाणी और अनेक रियासतों के दरबार में गाने के लिए बहुत ऊंची रकम मिलती थी। मास्टर मदन उस समय के प्रसिद्ध गायक कुंदनलाल सहगल के बहुत करीबी थे, जिसका कारण दोनों का ही जालंधर का निवासी होना माना जाता था। अब भला क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में एक ऐसा भी कलाकार हुआ जिसके सिर्फ 8 नगमे ही रिकॉर्ड हुए थे, और वो उन्हीं 8 नगमों के दम पर अब भी लाखों संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करता है। यूं तो कोई भी ये बात दावे से नहीं कह सकता कि मास्टर मदन ने कितने गाने गाए, लेकिन ये बात तय है कि रिकॉर्ड आज ही हुए थे। बता दें, उस कलाकार की मौत हिंदुस्तान की आजादी से काफी पहले ही हो गई थी, यानी 8 दशक से भी पहले। लेकिन आज भी उस कलाकार को हम उसके उन्हीं 8 नगमों की वजह से जानते हैं और याद भी करते हैं। बता दें कि मास्टर मदन के रिकॉर्ड हुए 2 गाने आज भी आसानी से आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। इनमें सबसे लोकप्रिय गजल 1935 में रिकॉर्ड किया गया था। गजल लिखने वाले शायर थे सागर निजामी। इस गजल के शेर कुछ इस तरह है। यूं ना रह रह के हमें तरसाइए, आइए आ जाइए आ जाइए। इस गजल के अलावा हैरत से तक रहा है जहाने वफा मुझे, गजल भी काफी मशहूर हुई। इन दोनों गजलों के अलावा रिकॉर्ड किए गए नगमों में मास्टर मदन के 2 पंजाबी गीत भी शामिल हैं, 2 ठुमरियां हैं और 2 गुरबानी। गोरी गोरी भैया और मोरी बिनती मानो कहना रे, उनकी ठुमरियों के बोल है। मदन गाने के लिए देश के कई हिस्सों में भी गए। बता दें कि मास्टर मदन छोटी सी उम्र में इतने फेमस हो चुके थे कि लोग उनको देखने और उनसे मिलने के लिए बेताब रहने लगे। इसी के चलते मदन देश के अलग अलग हिस्सों में गाने के लिए जाते। महज 7 साल की उम्र में उन्होंने पंडित अमरनाथ से संगीत सीखना शुरू किया। पंडित अमरनाथ मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगत राम के बड़े भाई थे। जिन 2 गजलों का जिक्र हमने आपको पहले बताया, उसका संगीत पंडित अमरनाथ ने ही दिया था। ये सोचकर भी ताज्जुब होता है कि 8 साल की उम्र में मास्टर मदन रेडियो के लोकप्रिय गायक बन चुके थे। 14 साल की उम्र में उनका आखिरी पब्लिक परफॉर्मेंस कलकत्ता में हुआ। इसके बाद वो दिल्ली आए। उनके नाम की तब तक धूम मच चुकी थी। कलकत्ता से लौटने के बाद मास्टर मदन ने 3-4 महीने और गाया होगा कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो शिमला चले गए, जहाँ उनके माथे और जोड़ों पर अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। कोई इलाज काम नहीं आया। आखिरकार 5 जून 1942 को करीब 14 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
उनकी मौत पर शिमला को बंद रखा गया। पदक पहने हुए मास्टर मदन का अंतिम संस्कार किया गया। आज भले ही उनकी पुण्यतिथि हो, लेकिन उनकी गजलों की गूंज हमेशा संगीत प्रेमियों के कानों में गूंजती रहेगी। मास्टर मदन से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।